हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि कमोडिटी क्या होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में जानना और सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमोडिटीज ऐसे प्रोडक्ट्स और गुड्स होते हैं जो हम हमारी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि फूड, एनर्जी, मेटल्स एक्सेट्रा। ये सारे कमोडिटीज को आप वाकई में ट्रेड यानी बाय और सेल कर सकते हैं। दुनिया में चार मेजर कमोडिटीज हैं। पहला मेटल्स यानी गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर एक्सेट्रा। दूसरा एनर्जी यानी क्रूड ऑयल, गैसोलीन, हीटिंग गैस एक्सेट्रा। तीसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी राइस, वीट, दाल एक्सेट्रा। और चौथा लाइफ स्टॉक यानी मीट, एग्स, कैटल एक्सेट्रा। कमोडिटी ट्रेडिंग इंडिया में कई अरसों से होती आ रही है, बट कई सारे इकोनॉमिकल कारणों की वजह से कमोडिटी ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग जितनी पॉपुलर नहीं हो पाई। पर जब से MCX और NCDX की शुरुआत हुई है, तब से काफी इन्वेस्टर्स कमोडिटी ट्रेडिंग की तरफ आकर्षित हुए हैं। इंडिया में कमोडिटी ट्रेडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए होती है। तो आइए पहले हम डेरिवेटिव्स को समझते हैं। डेरिवेटिव्स दो तरह के होते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। दोनों के कई फीचर्स सिमिलर होते हैं, जैसे कि कमोडिटी डेरिवेटिव की वैल्यू कमोडिटी के प्राइस से ही डिराइव होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर गोल्ड की मार्केट प्राइस 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो कमोडिटी डेरिवेटिव की प्राइस भी लगभग सेम ही होती है। ये प्राइस कुछ एक्सट्रीम डिमांड और सप्लाई की वजह से वेरी हो सकती है। दोनों एक फिक्स्ड लॉट साइज में ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड जिसका लॉट साइज है 1 kg, तो आप 1 kg या उसके मल्टीपल्स में ही बाय या सेल कर सकते हैं। हर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक फिक्स एक्सपायरी डेट होती है, जिसके खत्म होने पर आपको या तो फिजिकल कमोडिटी लेनी होती है, या तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करके अपना प्रॉफिट या लॉस करंट मार्केट से बुक कर सकते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग मार्जिन बेस्ड होती है, जिसमें आपको बाय या सेल करते समय पूरा अमाउंट नहीं देना होता, बल्कि आपको सिर्फ मार्जिन देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको गोल्ड का फ्यूचर लेना है और 10 ग्राम गोल्ड का रेट है 40,000 रुपए, तो 1 किलो गोल्ड की वैल्यू हुई 40 लाख। बट जब आप डेरिवेटिव्स के जरिए बाय या सेल की पोजीशन लेते हैं, तो आपको सिर्फ 9-10% ही मार्जिन देना होता है, जिससे आप ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको डेरिवेटिव्स के बेसिक फीचर्स समझ आ गए होंगे। कमोडिटी ट्रेडिंग के कई सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो आइए हम पहले एडवांटेजेस को समझते हैं। पहला, कमोडिटीज आपको इन्फ्लेशन बीट करने में मदद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आगे चलकर आपको लगता है कि क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ सकती है, तो आप क्रूड ऑयल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करके अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस जियोपॉलिटिकल इश्यूज के वजह से भी काफी फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे हाल ही में हमने US चाइना ट्रेड वॉर के चलते गोल्ड की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल देखा था। तीसरा, कमोडिटी ट्रेडिंग में आपको काफी ज्यादा लेवरेज मिलता है, जिसमें आप सिर्फ 5-10% मार्जिन देकर बाय या सेल की पोजीशन ले सकते हैं। चौथा, कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। उदाहरण के तौर पर, इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट नेगेटिवली कोरिलेट करते हैं। जैसे कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, तो कार सेल्स कम हो जाते हैं, जिससे ऑटो कंपनीज के स्टॉक्स गिर जाते हैं। ऐसे वक्त पर अगर आपने क्रूड ऑयल बाय किया, तो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद होती है। पहले के मुकाबले कमोडिटी ट्रेडिंग काफी आसान और ट्रांसपेरेंट हो गई है, खास करके ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होने के बाद आप ट्रेडिंग काफी स्मूथली और इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस की। पहला, कमोडिटी ट्रेडिंग में ज्यादा लेवरेज मिलने के कारण बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि लेवरेज दो धारी तलवार होती है। अगर आपने इसे प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया, तो इसके वजह से आपका पूरा कैपिटल भी खत्म हो सकता है। दूसरा, कई बार एक्सट्रीम सिनारियोज में स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट नेगेटिवली कोरिलेट नहीं करते, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें ग्लोबल मंदी के चलते सारे असेट क्लासेस के भाव नीचे आ गए थे। तीसरा, कई बार कमोडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, यानी बहुत तेजी से भाव बढ़ते और घटते हैं, जिसके वजह से कई बार एनुअल रिटर्न्स काफी कम आते हैं। और चौथा,
अगर आप कमोडिटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी निवेश करते हैं तो कई म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में एक से दो कमोडिटीज ही होते हैं, जिसके वजह से प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता। कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने के चार तरीके हैं। पहला तरीका है कमोडिटी डेरिवेटिव्स, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड या इन्वेस्ट करना, जिसके लिए आपके पास एक अच्छे ब्रोकर जैसे सैमको के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। इसके साथ आपको कमोडिटी मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप कमोडिटी ETF में इन्वेस्ट करें। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि एक पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है जिसमें कई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और वही पूल ऑफ फंड को फंड मैनेजर कमोडिटीज में इन्वेस्ट करता है और उसका बेनिफिट इन्वेस्टर को पास किया जाता है। ETF में इन्वेस्ट करने की टिकट साइज काफी कम होती है, जो ये ऑप्शन को अफोर्डेबल बनाता है। ETF सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड होते हैं और इसमें इक्विटीज के जैसे डे टू डे ट्रेडिंग भी होती है। तीसरा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए कमोडिटीज में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड ETF के जैसे ही होते हैं, बट इसे मैनेज एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर करता है, जो म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑब्जेक्टिव के मुताबिक इन्वेस्ट करता है, जिसके लिए वो एक स्मॉल फीस भी चार्ज करता है। आप कमोडिटी म्यूचुअल फंड्स में सैमको की म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म RankMF के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आप RankMF की प्रोप्राइटरी रिसर्च को यूज करके सही फंड और सही समय पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा तरीका है कि आप कमोडिटी को फिजिकल फॉर्म में बाय करें और प्राइस बढ़ जाने पर उसे सेल करें, बट ये काफी आउटडेटेड तरीका है। अगर आप फिजिकल कमोडिटी खरीदते हैं तो उसके साथ आपको कई अनवांटेड एक्सपेंसेस भी बेयर करने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, जिसके वजह से कई इन्वेस्टर्स पहले तीन तरीकों के जरिए ही कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जो कि काफी सेफ और कन्वीनियंट भी है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि कमोडिटीज में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक अच्छे ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो अब हम जानेंगे कि एक ब्रोकर के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने से पहले आपको किन किन चीजों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहला है ब्रोकरेज कॉस्ट, जो कि आपकी ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अफेक्ट करती है। इंडिया में कई ब्रोकर्स 0.3% से 0.5% के बीच ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक लॉट गोल्ड फ्यूचर्स खरीदते हैं तो आपको लगभग 2,500 रुपए का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही सेम ऑर्डर एक डिस्काउंट ब्रोकर जैसे सैमको के जरिए प्लेस करते हैं तो आपको सिर्फ 20 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ेगा, जिससे कि आप 80% से भी ज्यादा सेव करते हैं और आपका टेक होम प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। कमोडिटी मार्केट्स काफी वॉलेटाइल होते हैं, जिसके लिए आपके पास एक एफिशिएंट और फास्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। कई ब्रोकर्स आपको ब्रोकरेज तो कम चार्ज करेंगे, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर इतना फास्ट और एफिशिएंट नहीं होता, जिसकी वजह से कई बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इसीलिए आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भी खास ध्यान देना चाहिए। अगर आप सैमको के जरिए ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक फास्ट और एडवांस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे आप आपके मोबाइल या लैपटॉप में काफी इजीली यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमोडिटी मार्केट की लेटेस्ट न्यूज फीड्स और रिकमेंडेशंस को भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, तो आपको मार्जिन पर भी खास ध्यान देना चाहिए। कमोडिटी ट्रेडिंग में लगभग 5-10% अपफ्रंट मार्जिन देना होता है, बट अगर आपके पास कम फंड्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है। इसीलिए सैमको के साथ आप कम से कम मार्जिन में ट्रेड कर सकते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सैमको के मार्जिन कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। कई बार शुरुआती समय में आपको कस्टमर केयर की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आपको ब्रोकर की कस्टमर सर्विस पर भी गौर करना चाहिए। सैमको आपको बेस्ट इन क्लास कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है और हमारी कस्टमर केयर का होल्ड टाइम ऑन एन एवरेज 1 मिनट से भी कम है, जो कि कई ब्रोकर्स के मुकाबले वन ऑफ द बेस्ट है। कई बार नेटवर्क रेस्ट्रिक्शंस के वजह से आपको कॉल एंड ट्रेड की भी जरूरत पड़ सकती है, जहां आप कॉल करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। क्योंकि कमोडिटी ट्रेडिंग लेट नाइट तक चलती है, सैमको के डीलर्स आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए हर समय मौजूद रहते हैं। अगर आप सैमको के साथ अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं,
तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आइए अब कमोडिटी ट्रेडिंग की कुछ टिप्स और रूल्स जान लेते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। पहला टिप है डाइवर्सिफिकेशन, जो हर एसेट क्लास में एप्लीकेबल है, चाहे वो कमोडिटी हो या इक्विटी। डाइवर्सिफिकेशन आपकी पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने में मदद करता है। अगर हम इसे कमोडिटी ट्रेडिंग के उदाहरण के जरिए समझे तो हाल ही में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में क्रूड ऑयल की डिमांड काफी कम हो गई थी, जिससे कि क्रूड ऑयल की प्राइस एक ही दिन में 30% से ज्यादा गिर गई थी और यूएस में तो क्रूड ऑयल की प्राइस नेगेटिव भी हो गई थी, जिसके चलते कई लोगों को काफी बड़े नुकसान हुए। बट अगर आपके कमोडिटी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखते और गोल्ड या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टेड रहते तो ये दो कमोडिटीज आपके लॉसेस को कम कर सकती थी, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में कुछ कमी नहीं हुई, बल्कि उनकी डिमांड बढ़ने से प्राइसेस काफी ऊपर चले गए थे। दूसरा टिप है कि आप कमोडिटीज के साइकिल के बारे में डिटेल्ड स्टडी करें, क्योंकि कई कमोडिटीज साइक्लिकल ट्रेंड में चलते हैं जो कि इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के मुताबिक होते हैं। तीसरा टिप है कि आपको एक अप्रोप्रिएट एक्सचेंज के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि अगर आपको मेटल्स और एनर्जी जैसे नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में ट्रेड करना है तो आप MCX के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आपको एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जैसे दाल, वीट, राइस एक्सेट्रा में ट्रेड करना है तो आप NCDX के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। चौथा और आखिरी टिप है कि आपको शुरुआती समय में कम वॉलेटाइल कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। आपको हाईली वॉलेटाइल कमोडिटीज जैसे कॉपर, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में काफी कम एक्सपोजर के साथ ट्रेड करना चाहिए। हमेशा आपको अपना रिस्क ट्रेड लेने से पहले ही डिफाइन करना चाहिए, जिससे आप अपने लॉसेस को कम और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। अगर आप किसी कमोडिटी ट्रेडिंग के टॉपिक को और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि हम आपकी सहायता कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें। स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।